हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी को पता है कि आपके प्रैक्टिकल्स की डेट तो आ ही गई है, लेकिन कल एक नोटिफिकेशन आया है जिसके बारे में हम आप सभी से बात करने चल रहे हैं। कल का जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं कुछ संशय और डाउट बन जाते हैं। फाइनली मैं आपको बता भी दे रहा हूँ और उसके PDF भी मैं यहाँ पर आपको पेस्ट कर दूंगा, आप पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। तो जो लोग भी CCSU से BEd कर रहे हैं, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि छोटी सी लेके बड़ी जानकारियाँ, जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो सारी जानकारियाँ हम आपको अपने चैनल पर ला के देते हैं। और साथ ही साथ बच्चों ये भी कहेंगे, जितने भी लोग के माइग्रेशन अभी कॉलेज में नहीं जमा हुए हैं तो आपने माइग्रेशन ज़रूर बनवा लीजिएगा, कॉलेज में जमा कर दीजिएगा, ताकि आपके रिजल्ट जब भी आए वो आपके कॉलेज में आ जाएं। अगर आप अपने माइग्रेशंस को नहीं जमा करेंगे तो आपके कॉलेज में रिजल्ट नहीं आ पाएंगे, इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अपडेट क्या आया है बच्चों। अपडेट ये आया है कि उसमें लिखा गया है, CCS की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन कल आता है, 7 तारीख को आता है, वीडियो मैं 8 को अपलोड कर रहा हूँ, मैं कल नहीं बना पाया। तो वहां पर नोटिफिकेशन यही आया है कि आपके जो प्रैक्टिकल्स की एग्जाम्स की डेट प्रस्तावित है वो 11 से है। तो उन्होंने कॉलेजों को दे रखा है, उन्होंने कॉलेजों को एक नोटिफिकेशन दे रखा है कि जो भी टीचर्स, जो भी शिक्षक गण वहाँ पर प्रैक्टिकल्स लेंगे, प्रयोगात्मक परीक्षाएं लेंगे, वो सभी के डाटा जो है 20 तारीख तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सबमिट करा जाए, यूनिवर्सिटी में सबमिट करा जाए। तो बच्चों, अगर उनके डाटा 20 तक सबमिट हो रहे हैं तो हमारे प्रैक्टिकल्स कब जाएंगे, यही एक क्वेश्चन बन जाता है दिमाग में। और ये चीज़ें देखते हैं, कोई नोटिफिकेशन और आता है तो हम आपके सामने लाएंगे। तो उन्होंने 20/10/2022 तक का डाटा मांग रखा है उन टीचरों के लिए, जो टीचर्स जो है आपके प्रयोगात्मक परीक्षाएँ लेंगे, तो उनका नोटिफिकेशन है, मैं फाइनली पेस्ट कर दे रहा हूँ, आप सभी भी लोग पढ़ लीजिएगा और मे भी आपके एग्जाम्स उनके पहले हो जाए, अगर क्योंकि वहाँ पर लिख रखा है प्रस्तावित है तो उसके पहले भी हो सकते हैं 11 से, जैसा कि डेट है ही ऑलरेडी। कॉलेज में भी मेरी बात हुई तो कॉलेज वाले भी 11 से 20 अब भी कह रहे हैं, लेकिन उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद यही चीज़ें भी क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि 11 से 20 के बीच में टीचर्स का मतलब उनके जो डाटा मांगे गए हैं वो 20 तक मांगे गए हैं। तो ये बातें थोड़ी सी अभी हिट कर रही माइंड में। तो बच्चों जो है वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा, अगला जैसे भी अपडेट होगा फाइनली हम आपके सामने होंगे और आपको अपडेट ला के देते रहेंगे। वीडियोज़ कैसे लगते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा।